हम आगे बढ़ रहे हैं। सो हम लोग बेसिकली लाइक दिस सर्किट सिमुलेटर में हम सर्किट्स को हर बार बनाने से पहले हम उसको चेक कर सकते हैं उस डिजाइन को ऑलरेडी, जैसे हम ब्रेड बोर्ड में बनाते हैं स्पेशली जो पीजीटीज हैं, पीजीटी फिजिक्स जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो उनको एक डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टिविटी करवानी पड़ती है बच्चों को, तो वो ब्रेड बोर्ड में डिफरेंट सर्किट्स बनाते हैं। तो बनाने से पहले हम इस डिजाइन को टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, सिमुलेट करके दिखा सकते हैं इसका आउटपुट कैसा हो। ठीक है, तो इसमें काफी इंटरेक्टिव फीचर्स हैं जिससे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इजीली बना सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसका है कि ये एक फ्री ऑनलाइन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई आपकी लॉगिन आईडी की जरूरत नहीं होती, ना आपको गूगल में कहीं पे अपना जीमेल अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ना कुछ ऐप लोड डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये इसका बेस्ट फीचर है। सेकेंड थिंग, ये फ्री सॉफ्टवेयर जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसके आप डिटेलिंग लाइसेंस आप इसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसमें प्रोग्रामिंग बना के आप सेव कर सकते हो और एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। तो इसमें ऐसा कोई लाइसेंसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स थोड़े मैंने यहाँ बता रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एक ये फ्री सॉफ्टवेयर है। सेकेंड थिंग, इसका स्टैंड अलोन वर्जन को हम इजिली सेव कर सकते हैं। मैं आपको जब अभी हैंड्स ऑन करवाऊंगी तो आपको ये बताऊंगी कि स्टैंड अलोन वर्जन जो इसमें ऑलरेडी आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल इसका जो भी सर्किट है उसको आप अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं और क्लास में पढ़ाते वक्त यूज करके बच्चों को समझा सकते हैं दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोर एपलेट्स, काफी एपलेट्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, इसलिए इनको एपलेट्स करके बोला गया है। ये जावा इसमें इजिली स्मॉल एप्लीकेशंस, इस स्मॉल प्रोग्राम्स इस एप्लीकेशन में रन कर देते हैं। सेकंड, सर्किट लेवल सिमुलेशन जावा है। स्क्रिप्ट है मैम? जावा इज इट जावा स्क्रिप्ट और जावा 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 बिकॉज में एपलेट इज अ यस पार्ट ऑफ जावा. एपलेट इज अ पार्ट ऑफ जावा, तो या जावा ठीक स्क्रिप्ट है, थैंक जावा ही एपलेट यू. है। एंड सेकंड, इसमें सर्किट लेवल बट सिमुलेशंस जावा ज्यादा है। स्क्रिप्ट इज डिफरेंट थिंग. ओके 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 हाँ आई अंडरस्टूड, ओके क्योंकि ये थैंक थोड़ा यू. कंप्यूटर वाला पार्ट आई एम जस्ट लैगिंग। सो बट बेसिकली इसमें जो लैंग्वेज यूज करी है वो जावा ही है, तो ये थैंक यू जावा मैम, थैंक यू. एप्लेट्स ही है। सेकेंड थिंग इज, फुल स्क्रीन वर्जन इज अवेलेबल हियर। ऐसा नहीं कि आपको स्मॉल स्क्रीन दिखाई देगा जिसमें आपको ठीक से समझ में ना आए, तो पूरी स्क्रीन अवेलेबल है और 1 सेकेंड में इसके रिजल्ट हमें मिल जाए। सेकेंड थिंग, ग्रेड 10th और 12th में जैसे हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल बच्चों को समझाना है, हमें कैपेसिटर का फंक्शन के बारे में बताना है, या फिर कैसे करंट उसमें लैग करता है या लीड करता है वोल्टेज के साथ, जो एसी सर्किट्स को समझाते हैं वो हम समझा सकते हैं, ओम्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिमुलेट करके दिखा सकते हैं, लॉजिक गेट्स है, तो डिफरेंट फीचर्स हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा मैं हैंड्स ऑन में समय देना चाहती हूँ तो इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी आगे कर रही हूँ। इसके की टूल्स हैं, देखेंगे इसमें फाइल मेन्यू है जो कि बेसिकली फाइल मेन्यू में आपको सर्किट सेव करना और उसके लिंक को कैसे शेयर करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन है वहाँ पे अवेलेबल। देन रीसेट है, इस बटन को नेम जैसे डिफाइन कर रहा है कि आप इसको फिर से इनिशियल स्टेट पे रीसेट कर सकते हैं। सिमुलेशन को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए रन और स्टॉप है। देन सिमुलेशन स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, करंट स्पीड है सर्किट में भी, ये मैं आपको शो करूंगी सब दिखा के। तो इसको ओपन करने के लिए सिंपली आपको फास्टेड गूगल में उतरना है। अगर आप सब लोग अपने अपने सिस्टम में बैठे हैं तो बेस्ट है कि आप भी साइड बाई
आई एम सो सॉरी, ये नेटवर्क प्रॉब्लम आया था. माय वॉइस इज ऑडिबल? यस मैम, ओके ओके, आई एम सो सॉरी, वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया अचानक, लाइट चली गई. ओके आप ये देख पा रहे हैं? आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम, यस मैम, यस मैम. सो हैव यू यस ओपन इट? यस ओके हाँ, यस सिंपली आप, हाँ सिंपली यू विल गो टू फास्टलेट. आप यहाँ पे फास्टलेट सर्किट्स में चले जाएंगे. देखिए ओके जैसे ये ओपन होगा, जैसे ही ये ओपन होगा, फर्स्ट इसमें ये डिफॉल्ट वर्जन है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट इसका ये एलसीआर सर्किट ओपन हो जाएगा. ठीक है, ये इनबिल्ट यस है इसमें. तो स्टार्टिंग इस यहीं से होगा, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे ये जो येलो डॉट्स हैं, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है. और एक तरीके से यस यहाँ पे ये यस एलसी, हाँ एलसी ऑसिलेशन हो रहा है. यहाँ पे देखिए ऑसिलेशन हो रहा है, यस करंट हमारी मैम, ऊपर जा यस रही है. ओके और यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं, ये इसके ऑसिलोस्कोप से आउटपुट दिख रहा है हमें कि यस यस किस तरीके से करंट वेरी कर रहा है एंड वोल्टेज. तो आप देखिए यहाँ पे यस तीन अलग अलग उसमें है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर. सो हमें पता है कि रेजिस्टर्स में, लाइक करंट और वोल्टेज, दे आर इन फेज. ठीक है, तो बच्चों को जब एसी करंट हम बताते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक एक कंपोनेंट को बता सकते हैं. ऐसे ही रेजिस्टर का दिखा सकते हैं. हमें पता है इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर इंडक्टर, में करंट लैग करता है. वेरी गुड, है ना, करंट लैग करता है यस वोल्टेज बाई पाई यस बाई टू, बाई फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू, राइट. और कैपेसिटर में लीड करता है, राइट. तो हम ये जो ऑसिलोस्कोप का एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है. मैं पहले, क्योंकि ये डिफॉल्ट ओपन हो जाता है, मैं पहले आपको इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ. देन आई विल एक्सप्लेन कि आप कैसे भी कोई भी सर्किट बना सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं और उसको अपने क्लास में कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कंबाइन ऑल करके मैंने दिखा दिया, ये सारे ऑल द आउटपुट्स को इस तरीके से शो कर रहा है. हम इसको सेपरेट करना चाहेंगे तो ये सेपरेटली इसे शो कर रहा था. ये पहला वाला इंडक्टर का है, जहां पे आप अपना कर्सर लेके जाएंगे वहां पे ये देखो, ये इंडक्टर के बारे में दिखाने लगेगा. यहाँ पे कैपेसिटर और ये रेजिस्टर. यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपको करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, इसकी वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यूज आपको दिखने लगेंगी. ये रेजिस्टर के केस में, यहाँ पे कैपेसिटर के केस में, एंड देन इंडक्टर के केस में. देन वन मोर फीचर इज दिस, यहाँ पे आप कैपेसिटेंस को इंक्रीज, इसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं फ्रॉम हियर. यहाँ से इंडक्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं लाइक दिस फ्रॉम हियर आल्सो. यहाँ से करंट की स्पीड को हम डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं ऐसे. इंक्रीज, यस, ओके यहाँ से हम कर सकते हैं. प्लस यहाँ से भी आप, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है. जैसे सपोज आपको ये सर्किट, आपको इसके वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो आप यहाँ पे उसी सर्किट जाएंगे, यहाँ पे एडिट में आएंगे, यहाँ पे एडिट करेंगे और उसके रेजिस्टेंस को हम चेंज कर देते हैं. सपोज टू टू ओम्स रख दिया. ओके तो यहाँ पे ये 2 ओम्स आ गया. तो हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं जो ऑलरेडी बिल्ट वाला है, ये ऑलरेडी बिल्ट है. एंड जो आपके माउस है उसके, हम उससे इसके जूम इन एंड जूम प्लस भी कर सकते हैं. वन मोर एडिशनल फीचर इसका ये है कि ऑप्शंस में जाके आप यहाँ पे, सपोज आप ब्लैक प्लेटफॉर्म बैकग्राउंड में अच्छे से आप देख नहीं पा रहे हैं, तो आप इसका व्हाइट बैकग्राउंड करके भी इसको देख सकते हैं. ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक वाला है, ये तो जो ऑलरेडी इसमें, मैं इसको वापस ब्लैक कर देती हूँ बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल विथ ब्लैक. ठीक है, तो अब सपोज आपको नया बनाना है, आप सिंपली गए फाइल में, गए आपने न्यू ब्लैंक सर्किट किया, आप न्यू ब्लैंक सर्किट पे गए, यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी मिल जाएगा. मैं यही हैंड्स ऑन में ही आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से आप सर्किट बना सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फाइल है, ये आपने ब्लैंक हो गई. यहाँ से आप
फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ फीचर में जाएंगे। यहाँ पे इसके सारे ऑप्शंस हैं, मैंने अपनी स्लाइड में सारे ऑप्शंस ऐसे दिखा रखे हैं ताकि आपको जब स्लाइड मिले तो आपको पता लगे कि फाइल से, एडिट से, ड्रॉ से, स्कोप से, ऑप्शन से एंड सर्किट्स के क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीधा डायरेक्टली हैंड्स ऑन करके यहाँ दिखाना चाहूंगी। देखिए, आप यहाँ पे ड्रॉ पे जाएंगे, ड्रॉ में आप एड वायर, आप सिंपली एक वायर आपने बनाई, फिर एक रजिस्टर, सपोज हम थोड़ा सा रजिस्टर, अगर आपको तीन चार रजिस्टर रजिस्टर्स साथ में दिखाने हैं आप इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, आपको बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार सिलेक्ट नहीं कर रही, देखिए मैम दैट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। हाँ दिस इज सीरीज कनेक्शन। यस, दिस यस इज यस सीरीज यस कनेक्शन। आप यहाँ पे सीरीज, पैरेलल कनेक्शन, हाफ यस एडर, यस फुल एडर, यस रेक्टिफायर, डायोड्स, बहुत सारी यस चीजें जो हम पढ़ाते हैं स्पेशली इन ग्रेड 12th में, यस जहाँ यस पे थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें डिटेल में पढ़ाना होता है वहाँ यूज कर यस सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और यूज कर रही हूँ, सपोज पैसिव कंपोनेंट, हम मैं एक आई विल एड वन इंडक्टर ऑल्सो, एक हम इंडक्टर को भी ऐड कर लेते हैं, यस इंडक्टर। देन आई विल एड फाइंडिंग रोल वन ऑफ इनपुट, इंडक्टर। दिस एसी वोल्टेज सोर्स, एक एसी वोल्टेज सोर्स को भी ऐड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा गैप रह गया है, सो आई विल ऐड वन दिस सर्किट ऑल्सो, वन वायर, वन, और आप कोई स्विच भी ऐड कर सकती है। बट तो एज सून एज इट इज कनेक्टेड, आपको दिख रहा होगा कि करंट मूव होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, करंट मूव होना स्टार्ट हो गया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस सर्किट इज ओके और नॉट। यहाँ पे कॉर्नर में दिखने लगता है कि एनी बैड कनेक्शन इज देयर और नॉट। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें बिकॉज ये थोड़ा सा हैम्पर कर रहे हैं मुझे सब। हाँ देखिए, यहाँ पे टाइम स्टेप चल रहा है एंड विद टाइम स्टेप ये मूव हो रहा है। यहाँ पे करंट को आप इसकी सिमुलेशन स्पीड इंक्रीज या देख सकते हैं कि किस तरीके से करंट मूव हो रहा है। नाउ वन मोर थिंग, अब आपको यहाँ पे देखना है कि और इसका आउटपुट कैसा है, इस रजिस्टर का आउटपुट कैसा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे एंड व्यू इन न्यू स्कोप ये ऐड करेंगे, व्यू इन न्यू स्कोप। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे इसका आउटपुट, ऑसिलोस्कोप का आउटपुट आपको यहाँ दिखने लगेगा। दिख रहा है आपको, आपको सभी को दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर इसका पॉजिटिव वोल्टेज को दिखा रहा है, ये देखिए। यस और मैम रेजिस्टेंस का, हाँ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज हमें पता है दे आर इन फेज ओनली, राइट। तो इसका एक फेज यस में ही यस आपको आउटपुट दिखेगा। अब आपको अगर इंडक्टर का भी देखना है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका आउटपुट कैसा है, तो अगेन आप एक और ऑसिलोस्कोप में उसको देखेंगे, अगेन व्यू इन न्यू स्कोप, और यहाँ पे आप देखेंगे इंडक्टर का बिहेवियर शोकेस में। ये देखिए, आपको सभी को दिखाई दे रहा है। हाँ यस, बिल्कुल आप यस यस रिंकू जी, अच्छा रिंकू जी हैं, एक सेकेंड, आप हाथ कर रहे हैं, मैम आस्क। मेरा एक क्वेश्चन था, इसमें जैसे हम 10th के स्टूडेंट्स को इन केस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम शो करना हाँ चाहते हैं, क्या पॉजिटिव हाँ नेगेटिव जी, का शो करने का कुछ? यस यस यस, है, आई विल शो इट। मैंने एसी का ले लिया, मैं आपको जब एक वो दिखाऊंगी डीसी सोर्स से दिखाऊंगी, तो आप देखोगे कि करंट, हम कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या लेते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, राइट। बट एक्चुअल में करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो कैसे मूव करते हैं, टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एंड, टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एंड। तो आपको जो येलो डॉट्स दिखेंगे वो अपोजिट घूमते हुए दिखेंगे, तो हम ये चीज दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ उसमें, मैं आपके क्वेश्चन में आ रही हूँ। तो ये तो हो गया इसका ऑसिलोस्कोप। अब एक और बात, जैसे अब आपने ये बना लिया घर पे बैठ के, आपने इसको बना लिया एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बच्चों को दिखाने के लिए बना लिया, उसके आउटपुट को दिखा लिया, ठीक है। अच्छा, पहले इसको ऑसिलोस्कोप इसको खत्म कर लेते हैं। ऑसिलोस्कोप को ये कंबाइन ऑल कर सकते हैं, दोनों कंबाइन और ये सेपरेट ऑल करके। अच्छा, अब आपको बच्चों को दिखा रहे हैं नेक्स्ट डे, तो इसको सेव कैसे करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो आप इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप फाइल में जाएंगे, आपने क्या किया, आपके इसकी इसकी कोड्स को हमको कॉपी करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना टेक्स्ट पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोर्ट एज टेक्स्ट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट एज यस टेक्स्ट। तो यहाँ पे एक फाइल आ जाएगी, ये जो इसकी इसकी जो यहाँ पे इसका लिखा हुआ, इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेंगे। और आप इसको डेस्कटॉप पे अपने सिंपल जो टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है,
जो नोट पैड वाली फाइल होती है, नोट पैड में आप कॉपी कर लें। मैं इसको आपको दिखाती हूँ, इसको मिनिमाइज करके। लाइक दिस वन मैंने ऑलरेडी ये कॉपी किया है, नहीं तो आप, मैं इसको दिखा दे रही हूँ। आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसको ओपन किया, कीप चेंजेस। नाउ सी, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। इज इट विजिबल? नहीं यस मैम, ये विजिबल नोट पैड नहीं है। इज नॉट ओके, विजिबल, अच्छा नोट पैड अच्छा इज नॉट विजिबल। आई एम शेयरिंग, जस्ट शेयर। नाउ इट इज विजिबल, नाउ इट इज यस मैम विजिबल। हाँ, मैंने क्या किया, इसको आप डेस्कटॉप पे आके इसको सेव कर लिया नोट पैड के उसमें, राइट? देन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी दिस, ठीक है? नेक्स्ट, अगर मुझे क्लास में अब जाके दिखाना है नेक्स्ट डे, तो व्हाट आई विल डू, सिंपली आपको फिर ये, क्योंकि आपने क्लोज कर देंगे तो ये सेव नहीं रहेगा, इसको जैसे ऐसे हमने फिर से न्यू ब्लैंक सर्किट में आ गए, ऐसे आपको ब्लैंक सर्किट दिखेगा। आपको वही सर्किट दिखाना है जो आपने घर पे बैठ के अच्छे से बनाया होगा, उसपे काफी फीचर्स डाल के वही सर्किट आपको दिखाना है। तो आप वो कोड, आप डायरेक्टली वो सर्किट कैसे दिखा सकते हैं, आप अगेन फाइल में जाएंगे एंड नाउ इम्पोर्ट फ्रॉम टेक्स्ट करेंगे, एंड यू विल जस्ट पेस्ट, गो टू अगेन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जाके वो फाइल ओपन करेंगे। आप डिफरेंट सर्किट्स की फाइल बना सकते हैं, लाइक ओम्स लॉ समझाने के लिए मैम, थोड़ा इसको फिर से रिपीट कर दो कि जो वहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया था नोट पैड में या टैक्स के रूप में। आई एम शेयरिंग, जस्ट गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। शेयर करोगे तो क्या दिखाओगे ना, मैंने कुछ खुला भी नहीं है। मैम मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये कंप्यूटर साइंस मैम फिजिक्स में रहना है मैम। यस, फिजिक्स में ही, बिकॉज आई एम शोइंग यू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ना, हाउ टू मेक इट। या मैम, थैंक यू वेरी मच। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड सर, आई विल शेयर इट। तो बेसिकली इफ यू हैव ओपन डेट fastrate.com, तो आप अपना एक फॉर द टाइम बीइंग जस्ट सिंपली मेक सर्किट दैट थ्री टेक थ्री रेजिस्टेंस। दिस इज अ हैंड्स ऑन एक्सरसाइज फॉर यू। ओके, सो व्हाट यू विल डू, जस्ट टेक अ थ्री रेजिस्टर एंड विथ डीसी सोर्स एंड वन की एंड वन एमीटर, जस्ट मेक वन सर्किट एंड जस्ट गिव शेयर योर स्क्रीनशॉट टू मी। ओके, so just meanwhile do this hands on exercise. I am joining in a minute. Super.
Okay. If any problem is coming while how to make a circuit, you can ask me. मैडम थ्री रेजिस्टेंस प्लस मैम डीसी बैटरी और एसी बैटरी मैम। हाँ, यस, डीसी यू कैन यूज डीसी बैटरी एज वेल एज एसी बैटरी. आप एक यू कैन टेक वन डीसी बैटरी, थ्री रेजिस्टर, ठीक है मैम। वन स्विच, वन स्विच. ओके मैम वन हाँ, वन स्विच स्विच. मैम। एंड हाँ, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दैट सर्किट, जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट इज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वन ऑफ द रेजिस्टर. व्हाट इज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वन ऑफ द रेजिस्टर, मतलब ये आप एक बार फाइंड कीजिए. आई विल जस्ट जॉइन कंटिन्यू. मैम एक्चुअली इन कंप्यूटर साइंस वी डू नॉट हैव दिस सर्किट। हाँ, इट बट इज हाँ, यू हैव लॉजिक गेट्स ना सर. या लॉजिक गेट वी आर हैविंग मैम। सिंपल लॉजिक गेट्स इनपुट आउटपुट्स, बट टू क्रिएट लॉजिक गेट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज नॉट ओके इंक्लूडेड मैम। सर. विजिबल यस ओके. Yes, please kindly show me. प्रेजेंट Okay, so just so have you you have made like this one program, right?
is it audible? यस दिनेश मैम। बंसल जी, ओके ओके सर, तो आपने इस तरीके का बना लिया होगा राइट? हाँ जी मैम, मैंने इस तरीके का बनाया था मैम। अच्छा अच्छा तो आपने ऑस्किलोस्कोप भी देख लिया होगा राइट? वेरी, तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस टेक्निकल ग्लिच। हाँ ओके, एक्चुअली मैम सो वी विल यहाँ पे कुछ प्रोसीड। कंपोनेंट का पता नहीं लग रहा था ना, इसीलिए चेक ओके करना पड़ ओके, रहा है, नो देखना पड़ प्रॉब्लम रहा है। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक देखिए यहाँ पे ऐड वायर्स है, यहाँ से हम वायर्स को ऐड कर सकते हैं, ऐड रेजिस्टर्स हैं, यहाँ से हम रेजिस्टर्स को ऐड कर सकते हैं, पैसिव कंपोनेंट है, इनपुट एंड सोर्सेस हैं, आउटपुट है, यहाँ पे आप डिफरेंट आपको फीचर्स दिखेंगे जिसको आप ऐड और वो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्लियर है आपको इतना? हाँ ठीक है। अब स्कोप्स का भी मैंने आपको बता दिया था, एंड इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसी तरीके से आपको ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। नाउ जस्ट सी दिस, यहाँ पे मैंने आपको एडिट करते हुए भी दिखाया है, ये मैंने स्लाइड में रखा है ताकि आप बाद में देख सकें कि किस तरीके से आप एडिट भी कर सकते हैं, कि जैसे रेजिस्टेंस है इसको आपने 150 डिग्री कर दिया, 150 ओम्स कर दिया राइट, यहाँ से आप इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, किसकी, जो आपने यहाँ पे डीसी सोर्स लगाया है इसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब नाउ हाउ टू डाउनलोड अ स्टैंड अलोन वर्जन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एलसीआर सर्किट के बारे में बताते हुए बताया था कि किस तरीके से आप उसका स्टैंड अलोन वर्जन को अपने सिस्टम में एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो हो गया आप डिफरेंट टेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सर्किट्स बना के उनकी टेक्स्ट फाइल को आप कॉपी कर सकते हैं अपने सिस्टम एंड देन उसको एक्सपोर्ट, राइट? क्लियर है इसमें? इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। यस, एनी कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन है? अभिषेक जी कोई बोले? अभिषेक जी, विल्सन वाज, विजय प्रसाद, नो ओके, ऑडियो में आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप सब लोगों ने अपने सर्किट्स बना के दिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख के, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये देखिए हम बच्चों को ओम्स लॉ बता सकते हैं, इससे सबने बहुत अच्छे से प्रयास किया है। हाँ यस यस, रिंकू जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैम, मैं ये जानना चाह रही थी कि इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व को भी शो कर सकते हैं क्या, मैंने हाँ, जो यस यस करंट यस, लैगिंग डायलॉग, और इसमें। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया था ना स्कोप वाला, आपको जिस सर्किट कंपोनेंट का वो देखना है आउटपुट कैसे आ रहा है, आप सिंपली आप क्या करेंगे, आप इसमें राइट क्लिक करके स्कोप में दबा देंगे, आप स्कोप, उस स्कोप दबाते ही, स्कोप का मतलब ही क्या है, ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट हो जाएगा और हमें आउटपुट वेवफॉर्म शो करेगा। आई होप मैंने आपको क्लियर किया, थैंक यू जी। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो सिमिलरली आप इसमें डायोड्स, जैसे हम बच्चों को पीएन जंक्शन दिखाते हैं, पीएन जंक्शन दिखाते हैं, तो उसका हम बच्चों को वो दिखाते हैं, इजीली उसके कैरेक्टरिस्टिक को भी शो कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, स्टैंड अलोन वर्जन की बात हो रही थी, तो मैं एक बार मैं स्टॉप शेयर स्टॉप करती हूँ और दूसरा इसमें ओपन करके आपको एक बार ये बस बता देती हूँ कि किस तरीके से आप इस वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपने एलसीआर सर्किट को जब ओपन किया था तो उसके नीचे एक आता है दिस टू डाउनलोड स्टैंड अलोन वर्जन, तो आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो आपको देखिए मैंने जैसे ये एक सर्किट मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड करके दिखाया है, तो ये ओपन हो जाएगा सिस्टम में, और इसको आप उसमें से आप सिर्फ ये जो विनजिप वाली फाइल है, सर्किट वन विनजिप फाइल है, उसको कॉपी कर लेंगे। जैसे ही वो आप कॉपी करेंगे आपके सिस्टम में वो जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, एंड देन उस जिप फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, उस जिप फाइल को आप ओपन करके दिखा सकते हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन आ रही है? हाँ जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से आप फाइल को सेव कर सकते हैं और अपने उसको एक्सपोर्ट कर हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे ये तो हो गया कि आप अपनी फाइल बना सकते हैं, यहाँ पे इनबिल्ट काफी बना हुआ है, काफी सर्किट्स ऑलरेडी बने हुए हैं जो हम डायरेक्टली बच्चों को शो कर सकते हैं, जैसे ये रेजिस्टर है, कैपेसिटर, इंडक्टर, एलआरसी सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर,
पोटेंशियोमीटर, ओम्स लॉ, ये सब काफी सर्किट्स हैं जिसको आप एज इट इज दिखा सकते हैं. लाइक क्या करेंगे आप, कंपनीज में जाएंगे, यहाँ पे सर्किट्स में जाके बेसिक सर्किट्स में आएंगे. देखिए बेसिक सर्किट्स में आपको दिखेगा ओम्स लॉ, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, एलआरसी सर्किट, ये सब आपको इसमें शोकेस करते हैं. ओके भैया, ऐसे ही मैं जैसे जो कंप्यूटर से जुड़े हैं मेरे साथ, जो भी टीचर्स आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे. देखिए आपके जो कंप्यूटर साइंस में आप बच्चों को मॉसफेट्स, ट्रांजिस्टर्स, ऑपरेशन एम्पलीफायर, लॉजिक फैमिलीज, फिल्टर, एनालॉग डिजिटल, ये सब कराते होंगे. मैं क्लियर कर पा रही हूँ? नो मैम, दिस टॉपिक्स आर नॉट इन द सिलेबस ऑफ सीबीएसई क्लास 11th एंड 12th. 12th में नहीं है ये कंप्यूटर साइंस में? ओके. नो मैम, वी आर टीचिंग पाइथन लैंग्वेज, सम कंप्यूटर बेसिक्स. ओके ओके. सो बट बेसिकली लाइक अगर इंजीनियरिंग में लोग बच्चे जाते हैं तो बेसिकली थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, तो थोड़ा सा उनको देने के लिए मतलब एडिशनल रिसोर्स की तरह हम इसको दिखा सकते हैं. ये रजिस्टर्स हैं, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, आप स्विच ऑन ऑफ करके दिखा सकते हैं करंट कैसे फ्लो कर रहा है. जो पीपीटी मोड में है तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग कर पा रहे हैं तो ठीक है. अच्छा, ये आप लोग के लिए हैंड्स ऑन एक्सरसाइज है जो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, जब थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ रहा था उसमें से एक एक्सरसाइज मैंने आपसे करवा दी थी. बस इसका सेकेंड पार्ट ये है कि क्या आप इस एक्सरसाइज से वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 1 kΩ रजिस्टर को निकाल सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं क्या? मैं ये जानना चाह रही हूँ. किसी ने ये एक्सरसाइज करी? नहीं, क्या बताइए. जैसे आप लोग ने सर्किट तो बहुत सुंदर सुंदर बनाए हैं, यस आप लोग ने सर्किट तो बहुत सुंदर सुंदर बनाए हैं, बस आप मुझे बताइए, आप जैसे अगर आपको इसका वोल्टेज ड्रॉप निकालना है किसी बच्चे को, सपोज 10 kΩ का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? ये आप प्रयास कर सकते हैं. हाँ मैम, एक्चुअली मैम जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं. हाँ जी हाँ जी, आप राइट क्लिक करेंगे, एडिट का ऑप्शन आएगा वहाँ पे. ओके मैम. देखिए आप इसको एडिट कर सकते हैं और फिर इसका वैल्यू राइट कॉर्नर पर जो दिख रहा है वोल्टेज और डिफरेंस वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं. ठीक है, मैं बहुत जल्दी अपने थोड़े सिस्टम से ज्वाइन करके आपको आंसर दिखा दूंगी. ये सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है. ओके, और एक और स्टाइल है जहाँ पे एक मैंने इस तरीके का सर्किट बना रखा है, स्पेशली क्लास 12 में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं हम, इसका रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल करके हम ये सबको यहाँ से दिखा सकते हैं. ठीक है, रिलेशन आपको बताना चाहूंगी, दैट इज अ मैथ एंड फिजिक्स. ठीक है, तो मैथ एंड फिजिक्स एक्ट जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के एक्ट्स बने हैं, ऐसे ही मैथ्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम फास्ट में बहुत सारे जिसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट बच्चों को दिखा सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, इंटरेक्टिव वे में, लाइक ऑसिलेशन वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक का तो पूरा चैप्टर ही क्लास 12 में, तो ये तो बहुत ही अगर बच्चों को इंटरेक्टिव वे में इसके फील्ड्स किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इसमें, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है उनके. बच्चे इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ते हैं, जनरेटर पढ़ते हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट हम यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं. मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स हो गए तो मैं आपको सेम सेम उसी फील्ड से अगर आप जैसे ही लिंक को क्लिक करते हैं या फिर सिंपल आप गूगल में फास्टलेट टाइप करेंगे तो वहाँ पे पॉल फास्टलेट वाला ऑप्शन आएगा. सो आई एम शोइंग ओके, आपको दिखा रही हूँ
आप इसको देख पा रहे हैं? हाँ यस, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। देखिए जैसे ही एक सेकेंड, ये देखिए। ओके सो आई विल ये बैक। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? मैम दूसरी साइड यहाँ का से में भी आपको, सेम है, हाँ जी दूसरी साइड का नहीं भी सेम है कि ये सेम साइड है मैम? सेम साइट है, सेम साइट है। यहाँ पे आपको बस फिजिक्स वाला वो करना है। मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको शेयर बता देती हूँ कैसे करना है। आपको यहाँ पे एक ओके सेकंड, कोई किसी का ऑडियो ऑन है प्लीज, आप अपना ऑडियो बंद कर दें। हाँ जी ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली आप किस में जाएंगे, फास्ट ट्रैक किस में जाएंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको दिख रहा है, आप ये पॉल फास्ट ट्रैक में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मैथ्स और फिजिक्स एप्लेट्स दिखाई देगा और एक सर्किट सिमुलेटर। अभी हमने सर्किट सिमुलेटर के बारे में पढ़ा और अभी हम इसको मैथ्स एंड फिजिक्स वाला देखेंगे ना। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ से बताया, मैं इसको आपको डायरेक्टली यहीं से हैंड्स ऑन में दिखा देती हूँ। सपोज बच्चों को जैसे फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। देखिए ये डाइपोल का है, डबल चार्ज का इंट्रैक्शन है, देखिए इस तरीके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक और फील्ड ये इजीली शोकेस हो रहा है। अब अगर हमें कुछ और भी इसमें देखना है तो यहाँ पे आप सिंगल चार्ज का कैसा रहेगा वो भी देख सकते हैं, सिंगल चार्ज का कैसा आउटपुट रहता है। इज इट विजिबल, सबको दिख रहा है? यस ओके तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। प्लस सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप इसमें कोई भी एक पॉइंट चार्ज को एड ऑन कर सकते हैं और इसका इंटरेक्शन देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका वेरिएशन कैसे हो सकता है। ये तो दो डबल चार्ज हो गए। आप इसको डाइपोल में भी समझ सकते हैं, आप इसको डाइपोल में भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो डाइपोल चार्ज का आएगा, तो डाइपोल चार्ज कैसा है, इस तरीके का है डाइपोल चार्ज। तो बच्चों को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं और उसके इक्वी पोटेंशियल काउंट को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। वेक्टर डेंसिटी भी आप इंक्रीज या डिक्रीज करके हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखा सकते हैं। इसी में मैं एक ऐड करके इसको भी मैं पॉइंट चार्ज सपोज मैंने ऐड कर दिया या हॉलो बॉक्स ये ऐड करके मैं दिखा सकती हूँ कि ये पॉइंट चार्ज ऐड करते ही, एक पॉजिटिव चार्ज को ऐड करते ही कैसे उसके फील्ड में वेरिएशन आ जाता है। तो एक ही एक एग्जाम्पल है जिसमें बच्चे का थोड़ा सा जब वो देखते हैं तो उनको ज्यादा समझ में आता है। जब वो हम इसको ऐसी चार्ज चार्ज करके बताते हैं तो बच्चे थोड़ा कम समझ पाते हैं, बट जब वो एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है। आप कैसा लगा? दिनेश बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बंसल जी आप बताइए। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी हाँ फॉर जी हाँ जी हाँ जी इंटरप्टिंग हाँ मैम। जी इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी देख सकते हाँ हैं जी हाँ जी हाँ जी मैं आपको दिखा और अभी दिखाने बच्चों जा रही और हूँ। इलेक्ट्रिक। ओके ओके हाँ जी हाँ जी सॉरी देखिए, मैम। हाँ नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। देखिए अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के काफी स्टैटिक्स हैं। आप देखिए जिस हिसाब से आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को
उस हिसाब से आप इनको दिखा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर का एक और एग्जांपल है, सपोज ये इलेक्ट्रिक मोटर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप। यस ओके सो ये इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे चल रही है, ये देखिए। अब यहाँ पे हम एक मिनट, यहाँ पे इसको रोटेट ऐसे कर सकते हैं, प्लस इसको मैं मिनिमाइज करती हूँ। ये देखिए, सपोज मुझे उनका मैग्नेटिक फील्ड देखना है, किस तरीके से मैग्नेट इसको रिसेट कर देते हैं। पहले रिसेट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड देखिए, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इसको हम रोटेट करके देख सकते हैं। ये देखिए, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। हमें ये भी देखना है कि मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या डायरेक्शन है। आई विल क्लिक इट हियर, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, टॉर्क कैसा है, मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से शेयर करके बच्चों को ये बता सकते हैं कि कैसे, जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, कोई बताएंगे इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम है? इलेक्ट्रिसिटी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, राइट? इलेक्ट्रिसिटी यस, इट्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट करी, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे लॉरेंस फोर्स एक्सपीरियंस करती है कॉइल, राइट? हम बच्चों को पढ़ाते ही हैं कि ड्यू टू द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, वो करंट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉरेंस फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और उस फोर्स की वजह से ये रोटेट करने पड़ता है, रोटेट करने लगता है कॉइल, हमारी रोटेट करने लगती है। और इसके आगे हम एक मोटर कनेक्ट कर देंगे, तो ये सिंपली लाइक फैन हो गया, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर हो गया, इन सब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर ही कनेक्टेड रहती है ना? तो ये जब बच्चे इस तरीके से देखते हैं तो उनको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट। अब हम लोग इनको ये भी दिखा सकते हैं कि अगर हम बैटरी को मैम रिवर्स कर देंगे, तो जैसे हम बैटरी को रिवर्स करा तो कैसे डायरेक्शन में चेंजेस आ सकता है। देखिए, मैंने रिवर्स बैटरी करी थी, यहाँ पे बैटरी, तो मैग्नेटिक मोमेंट में क्या चेंजेस आते हैं, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ये भी हम यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। हाँ जी, इसी तरीके से आप देखिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी है, देन यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के भी एप्लेट्स हैं, डिफ्रैक्शन के भी हैं, तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन जो मैथमेटिक्स के हैं वो भी, डॉट प्रोडक्ट एप्लेट्स भी हैं, तो ये आप वन बाय वन थोड़ा से गैस मॉलिक्यूल्स, थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ाते हैं क्लास 11th को, उसको भी हम समझा सकते हैं। तो ये काफी एप्लेट्स है, ठीक है। अब मैं आपको सीधे अपने पीपीटी में लेके जाती हूँ, जहाँ पे हम आगे का एक और जो टूल है उसके बारे में और समझते हैं। सॉरी, गैस स्टार्टेड फ्रॉम 3 तो इस तरीके का ही पेज आया था, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड भूल भी गया था, और कर दीजिए इसको करने के बाद सारा कर सकते हैं। यस, आपको ये आप ये देख पा रहे हैं? साइन इन कर पा रहे हैं मैम, एक क्वेरी था। हाँ जी, हाँ जी मैम, जैसे अभी जैसे आपने इलेक्ट्रिक मोटर के एप्लीकेशन को दिखाया इसमें, हाँ तो जी, इसमें जैसे हम उसी में ही हम बच्चों को जैसे शो करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई हाँ होता जी, है, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसको भी एनिमेशन में हम उसको शो कर सकते हैं क्या, उसी हाँ के साथ शो कर सकते पैरेलल हैं। शो? इसमें हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते। तो वो फिजिक्स एप्लेट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको अभी ज्यादा रखा नहीं है, इसको मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट में ही, सर्किट सिमुलेशन में रखा था, तो हम दिखा सकते हैं। लेकिन इसमें अभी जैसे एक और ये रखा था मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक 3D डेमोन्स्ट्रेशन, ये मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, मैम इसकी जीआईएफ बना के हम बच्चों को शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, देखिए वो सेम इसको सेव करने का सेम ही मेथड है, आई थिंक। यस यस, ये देखो लिंक, ये जैसे कैसे पार्टिकल्स, कैसे लाइक करंट लाइंस,
यूनिफॉर्म फील्ड को शो करना है, तो किस तरीके से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से पार्टिकल मूव्स कर रहे हैं, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, किसी भी कंटेनर गैस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मूव करते हैं, ये डिफरेंट देखिए फील्ड सिलेक्शन है, फास्ट चार्जेस, मूविंग चार्ज, कॉन्सेंट्रिक लूप, सोलेनॉइड, तो ये डिफरेंट लाइक अगर सोलेनॉइड हम यहाँ रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो ये सब चीज यहाँ पे शोकेस हम दिखा सकते हैं। और इसका वर्जन देखिए, आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये फुल स्क्रीन वर्जन भी हम यहाँ से शोकेस कर सकते हैं, तो ये काफी एप्लेट्स हैं। ठीक है, मैम यहाँ पे रुपी पी फिर स्लो हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीड पे डिमेंशन अच्छा, ओके ओके, आई थिंक वो शेयर नहीं हो पाया। ठीक है, मैं एक सेकेंड स्टॉप शेयर शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं कि वही वाला जो मैंने ओपन किया था, ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ से दिखा रही थी, ये काफी ये 2D इलेक्ट्रोडायनामिक एप्लेट्स है, 2D भी है, आप देख पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका साइड शायद प्रोग्रामिंग का, ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, यहाँ पे आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगी अभी शेयर, थोड़ा सा टाइम मेरा, हम टाइम का बाउंडेशन है, टाइम ज्यादा आगे नहीं दे रहा आगे जाने के लिए। ठीक है, तो ये आप एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट, आपको यहाँ पे पता लगेगा कि किस तरीके से हम किस किस टॉपिक्स में इन सबको यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको काफी एग्जांपल बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। अब मैं एक और टूल, जो मेरा दूसरा टूल है, दैट इज एल्गो 2, उसके बारे में थोड़ा समझाना चाहूंगी। ये देखिए एल्गो 2, तो एल्गो 2 क्या है? अलगोड़ोगा यस यस यस, इज इट विजिबल? यस 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 मैम ओके, एल्गोडो इज इट विजिबल? राइट, सो एल्गोडो बेसिकली एक सिमुलेशन टूल ही है, एंड इट इज अ सॉफ्टवेयर जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, यूजर फ्रेंडली फिजिक्स सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, जो बेसिकली 2D हम किसी भी सिमुलेशन को बना सकते हैं, उसमें फोर्स अप्लाई करके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझा सकते हैं। लाइक ओनली अगर आप, दिस फिजिक्स कंसेप्ट यस हाँ, फिजिक्स एंड यस मैथ्स, हम फिजिक्स फिजिक्स एंड एंड मैथ्स मैथ्स यस कोर्स, यस मैम बेसिकली हाँ बेसिकली बेसिकली मैकेनिक्स के हो गए, ग्रेविटी हो यस गया, फ्रिक्शन हो एल्गोडो गया, कोलिजन हो गया, आई ओके। यस सो इसके की फीचर्स क्या हैं, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन, मटेरियल प्रॉपर्टीज, फोर्स एप्लीकेशन, सिमुलेशन कंट्रोल। मैं थोड़ा सा इसको क्विकली आगे बताती हूँ कि लाइक हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं इसमें, रोप विद द हेल्प ऑफ रोप्स, स्प्रिंग मोटर की हेल्प से बना सकते हैं, देन डिफरेंट प्रॉपर डिफरेंट मटेरियल्स को ले सकते हैं, देन यहाँ पे हम डिफरेंट सिनेरियो को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक मैं हैंड्स ऑन से ही आपको समझाना चाहूंगी, यहाँ पे मैंने कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट दिखा रखे हैं कि क्या जो जो हम इसमें समझा सकते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है जिसमें हम इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मैकेनिकल बिल्कुल एनर्जी कंजर्व रहती है उसको भी हम डिफरेंट सिमुलेशन बना के बच्चों को समझा सकते हैं, ग्रेविटी और फ्रिक्शन हो गया, कोलिजन एंड मोमेंटम हो गया। तो मैं यहाँ से सीधा आपको हैंड्स ऑन में ही लेके चल रही हूँ, तो जैसे ही इसको डाउनलोड करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप सीधे इसके वेबसाइट में जाएंगे, इसको आप मैक में और एंड्रॉयड में दोनों में ही डाउनलोड कर सकते हैं। मैम आपको फोन पे स्क्रीन डाउनलोड दिखाई हो दे रहा जाएगी है? आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस नहीं मैम नहीं आपको, अच्छा स्टॉप, ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपके? ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे वेबसाइट में, आपको इस तरीके से आप सिंपली www.elgo2.com में जाइए, वहां पे आपको यहाँ पे डाउनलोड्स के डिफरेंट डिफरेंट वो दिखेंगे, फ्री डाउनलोड्स के ऑप्शंस, एक डाउनलोड फॉर विंडोज एंड डाउनलोड फॉर मैक, आप इसमें डाउनलोड फॉर विंडो को डाउनलोड कर लेंगे, और अपने सिस्टम में डाउनलोड करने के बाद आपको आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करती हूँ, एल्गोडो को ओपन करती हूँ, एंड आई विल शेयर दैट थिंग। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको इस तरीके का एक वर्जन दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस तरीके की एक विंडो दिखाई देगी,
यस यस यू आई एम नॉट श्योर बट एंड्रॉइड में हम इसको कर सकते हैं तो मे बी कर सकते हैं, बट इट इज बेटर अगर आप इसको लैपटॉप या सिस्टम में ही डाउनलोड करें बिकॉज तभी आप इसको बना पाएंगे अच्छे से. ठीक है, आपको ये दिख रहा है? कोई प्लीज कंफर्म. ओके ओके, तो ये एक एक इसका मेन विंडो है ये, जहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल, बस यही ऑप्शंस हैं यहाँ पे. इसी से हम डिफरेंट डिफरेंट सिमुलेशन टूल बनाएंगे. मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे यहाँ पे एक फाइल है, इसमें इस फाइल के अंदर आप यहाँ पे न्यू सीन्स, सेव सीन, न्यू सीन है जिसमें आप नया क्रिएट करके आपने जो बनाया है उससे आप सेव कर सकते हैं. देन थोड़ा सा इसको आगे एक करके बताती हूँ आपको. देन यहाँ पे डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे यू कैन सी दिस डिफरेंट टूल्स, जिससे हम ड्रॉ करके डिफरेंट सिमुलेशन वो बना सकते हैं. यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे डिफरेंट प्लेन टूल है. ओके, प्लस यहाँ पे ये सिमुलेशन कंट्रोल है. यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक प्ले करने का बटन है, ये अंडू का बटन है, यहाँ पे फॉरवर्ड का बटन है. देन यहाँ पे ग्रेविटी है, जहाँ से हम फोर्स और ग्रेविटी के इफेक्ट को दिखा सकते हैं. देन यहाँ पे वी कैन शो द एयर फ्रिक्शन बायंसी, उसको ऑन और ऑफ करके हम वो इफेक्ट दिखा सकते हैं. यहाँ से मैं इसको ग्रिड लाइन से यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ, सपोज मुझे किसी ग्रिड का दिखाना है वो कर सकते हैं. प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे सेटअप ट्यूटोरियल्स और लेसन प्लान ऑलरेडी हैं. आप इसके डायरेक्टली सपोज को एक लेसन प्लान से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं. तो मैंने एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आई विल शो इट टू यू. इसको मैं शेयर कर देती हूँ आपको. पहले मैं इसको हम समझ लेते हैं एंड देन आप लोग को हैंड्स ऑन एक एक्सरसाइज देंगे, इसमें आपको बताएंगे. ठीक, ये देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया, ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं. मैंने ये पीपीटी में आपको रखा है कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं. मैंने एक हैंडसन एग्जांपल आप लोग के रखा है, इसमें मोशन, जो क्लास नाइन्थ में हम सिर्फ बच्चों को समझाते हैं कि एक, क्योंकि एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है साइंस का कि पुश और पुल, सिंपल हम ऐसे एक्सप्लेन करके बच्चों को समझाने से बेटर अगर हम कोई इंटरेक्टिव ऐसा सिमुलेशन बना के दिखाएंगे तो ये इसका इफेक्ट अलग ही आता है. ठीक है, तो लाइक टारगेट हमें क्या करना है, हमें उनको सिंपल समझाना है कि क्या स्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं, डायनेमिक फोर्सेस क्या होते हैं, ग्रेविटी क्या होती है और मोशन क्या होता है. तो इसको समझाने के लिए हम डिफरेंट इफेक्ट्स का यूज करेंगे और इसी इसी से मैंने एक सिंपल से एक ये बना हुआ है, ये ऑलरेडी एक लेसन प्लान में भी बना हुआ है. ठीक है, उसको हम बस शोकेस करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और टाइप ऑब्जेक्ट्स किस तरह से इफेक्ट आता है. तो मैं कि इसका सिमुलेशन आपको दिखा रही हूँ. बिल्कुल बिल्कुल.